देखेंगे देवघर जिला के बारे में, तो देवघर जिला का गठन 1 जून 1981 में होता है। इसका मुख्यालय देवघर है। इसका क्षेत्रफल 2477 वर्ग किलोमीटर में है। जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 14,92,073 है। अब दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है, यानी 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है 28.03% है। जनसंख्या घनत्व जो है 602 है। लिंग अनुपात लगभग 1000 पुरुषों पे 925 है। शिशु लिंगानुपात यानी 950 है। अब यहाँ पे साक्षरता दर 64.85% है। अनुमंडल 2 है, देवघर और मधुपुर। प्रखंडों की संख्या 10 है। देवघर, मधुपुर, सारठ, मोहनपुर, कर्रों, सारवां, देवीपुर, पोलजोरी, मार्गुमुंडा, सानाराय, ठाडी, ये प्रखंड हो गए। विधानसभा क्षेत्र 3 है, देवघर, मधुपुर और सारठ। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से 114A और 133 गुजरती है। देवघर की प्रमुख नदियों में अजय, पथरा, जयंती, मयूराक्षी, ब्राह्मणी है। यहाँ प्रमुख जो खनिज पाए जाते हैं, क्वार्टजाइट पाए जाते हैं। प्रमुख उद्योग जो है डाबर दवा कंपनी जसीडी में है और हैदराबाद इंडस्ट्रीज पाई जाती है। प्रमुख पर्यटक स्थलों में त्रिकुट पहाड़ी, बकुलिया प्रपात, कर्रो गाँव है। जो त्रिकुट पहाड़ी है यह देवघर से लगभग 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर है। इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। किंवदंती है कि माता सीता का हरण करते जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था तथा माता सीता ने यहां दिया जलाया था, अतः इसे रावण का हेलीपैड भी त्रिकुट पहाड़ी को कहा जाता है। इसके बाद कर्रो गांव ऐतिहासिक गाँव है जो अशोककालीन है। इस गाँव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। इस गांव में अशोक के स्तूप और गांव के आसपास भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। किंवदंती के अनुसार गांव का नामकरण महाभारत कालीन कर्ण के नाम पे किया गया था, बाद में इसका नाम कर्रो हो गया। यहां कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी है। इस गांव का अंतिम जो राजा है काली प्रसाद सिंह थे, जो झरिया स्टेट के राजा थे। प्रमुख धार्मिक स्थल जो देवघर में है, वैद्यनाथ धाम, ठीक है, इसके बाद युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर, सत्संग नगर है। इसके अलावा सत्संग नगर जो है 1946 में बांग्लादेश के पावना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। बाद में इसका विस्तार हुआ, एक बड़े क्षेत्र में सत्संग नगर के रूप में बस गया। यहाँ सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर, विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं। तो देवघर के शैक्षणिक संस्थान में हिंदी विद्यापीठ भी स्थित है और साथ ही साथ दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र लगभग 203 वर्ग किलोमीटर देवघर में है और 1% के मामले में देवघर में 8.22% है। प्राचीन काल में इसे हरित क्यूना के नाम से भी जाना जाता था।